आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेजेबल दुनिया चैनल में। टेलीविजन पर हमने कई बहनों की जोड़ी देखी है। कई टीवी सीरियल्स में सितारे एक दूसरे की बहनों का किरदार निभाते हैं। इनकी बॉन्डिंग देख लगता है कि वाकई में एक दूसरे की बहनें हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ये केवल इनके किरदार होते हैं। लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं जो रियल लाइफ में एक दूसरे की बहनें हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अभी तक आप जिन सितारों को टीवी पर देखते आ रहे हैं उनमें से कई रियल लाइफ सिस्टर है और अभी तक आपको उनके बारे में ये पता ही नहीं था। इस वीडियो को पूरा देखें और ये जानें कि टेलीविजन पर अभी तक आप जिन सीरियल्स को देखते आ रहे हैं उनमें से कौन कौन से सितारे रियल लाइफ में एक दूसरे की सिस्टर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। रोशनी चोपड़ा और दिया चोपड़ा। दिया चोपड़ा एक भारतीय टीवी मनोरंजन करता है। वह रोशनी चोपड़ा की बहन है जो एक मनोरंजन करता और टीवी मॉडरेट भी है। उन्होंने हाल ही में जो टीवी के रोजमर्रा के शो मिसेस कौशिक की पांच बहुएं में देखा गया है। मई 2012 में उन्होंने शो छोड़ दिया क्योंकि उन पर पहले घरेलू जिम्मेदारियां थी। दोनों बहनें एक दूसरे का परफेक्ट प्रतिनिधित्व करती हैं। दुबले पतले शरीर से लेकर तुलनीय चेहरे के आकर्षण तक वे व्यवहारिक रूप से बहुत सुंदर दिखती हैं। गौहर खान और निगार खान, इन दो बहनों के बीच हाइड्रोजन बंधन की तरह एक बंधन के साथ असीम प्यार और करुणा साझा करती हैं। वे दोनों अपनी भूमिकाओं में शानदार है और उन्होंने अपने जीवन काल में कई भूमिकाएं निभाई है। वे कैमरे की उपस्थिति से प्रसन्न होते हैं और उनके पास अद्भुत अभिनय कौशल है। तनुश्री दत्ता और इशिता दत्ता। बॉलीवुड में नजर आने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता और टीवी में नजर आने वाली एक्ट्रेस इशिता दत्ता बहने हैं। वे दोनों टीवी श्रृंखला में दिखाई दिए। तनुश्री दत्ता ने टीवी की दुनिया छोड़ दी, फिर भी इशिता दत्ता अभी भी टीवी श्रृंखला में प्रमुख भूमिकाएं निभा रही हैं और पहली बार टीवी पर एक घर बनाऊंगा नामक श्रृंखला में पूनम के रूप में दिखाई दी। शफक नाज और फलक नाज। वर्ष 2013 में महाभारत नामक श्रृंखला अच्छी टीआरपी के साथ जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रही थी, जिसमें शफक नाज कुंती की भूमिका निभा रही थी। शफक नाज की बहन फलक नाज भी अपने अभिनय कौशल में पारंगत है और टीवी इंडस्ट्री की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। शफक नाज भी एक प्रशिक्षित कथक कलाकार है और उन्होंने चिड़ियाघर में मयूरी की भूमिका निभाई थी। काजोल और तनिषा मुखर्जी। तनिषा एक ऐसी अभिनेत्री है जो भारतीय सिनेमा के प्रति अपने समर्पण के लिए जानी जाती है, खासकर भारतीय मोशन पिक्चर्स के साथ साथ बॉलीवुड और तेलुगु और तमिल फिल्मों में है। काजोल को जी टेलीविजन कसम से में तीन मुख्य अभिनेत्रियों में से एक पिया की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। संभवतः हिंदी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकर्ताओं के रूप में पहचानी जाने वाली काजोल 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित विभिन्न सम्मानों की लाभार्थी हैं। अमृता राव और प्रीतिका राव। लोग प्रीतिका राव के बारे में शायद जानते हों, जो पहली बार बेइंतहा में दिखाई दी, जो एक लोकप्रिय टीवी धारावाहिक है जहां उन्होंने कलर्स टीवी पर आलिया हैदर की भूमिका निभाई थी। अमृता और प्रीतिका एक दूसरे से काफी मिलती जुलती दिखाई देती है। प्रीतिका राव एक सफल मॉडल है, सह अभिनेत्री और एक अच्छी गायिका होने के साथ साथ एक सफल पत्रकार भी है। बांग्लादेशी दूध ब्रांड के टीवीसी में दिखाई देने के लिए भी उनकी प्रशंसा की गई थी। प्लाविता बोर ठाकुर और परिणीता बोर ठाकुर। क्या आपको पीके की अनुष्का शर्मा की बहन याद है? प्लाविता बोर ठाकुर ने बॉलीवुड फिल्मों में कई दिलचस्प भूमिकाएं निभाई है। उनकी सफल फिल्म लिपस्टिक अंडर माई बुरका थी जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। उनकी बहन परिणीता बोर ठाकुर टेलीविजन का जाना माना चेहरा है। आखिरी बार उन्हें कलर्स के शो बेपनाह में देखा गया था। शक्ति मोहन और मुक्ति मोहन। शक्ति और मुक्ति आसानी से एक दूसरे की जगह ले सकती हैं। उनके यूट्यूब पेज नृत्य शक्ति को देखें, आपको संकेत मिल जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। वे बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखती हैं और एक साथ नृत्य करती हैं। वे बिल्कुल भी दो अलग अलग लोगों की तरह नहीं दिखती। भारती सिंह और पिंकी सिंह। मशहूर कॉमेडियन भारती और उनकी बहन पिंकी के बीच न सिर्फ गहरा रिश्ता है बल्कि दोनों में खूबियां भी एक जैसी है। इन बहनों की कदकाठी और मुस्कान एक जैसी है, आपको खुद ही अंदाजा लगाना होगा क्योंकि ये बहनें बिल्कुल जुड़वा जैसी दिखती हैं। अगर आपको ये खूबसूरत वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ अलग जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आपका सपोर्ट ही हमारी पहचान और ताकत है। आपके सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होते हैं, इसलिए आप अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखें। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।